रिसेंटली मेरे को GSM वाली वीडियो पे कुछ कमेंट आए थे कि क्या हम GSM को फ़ोन की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम GSM से स्पीकर और माइक कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये एक SIM900A GSM मॉड्यूल है। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आपको देखनी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आर्डिनो को GSM से कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्शन के लिए यूज़ करेंगे हम जंपर वायर, ये मेल टू फीमेल जंपर वायर है। GSM की ग्राउंड को हम आर्डिनो की ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। GSM की TXD पिन को हम आर्डिनो की सेकेंड पिन से कनेक्ट करेंगे। GSM की RXD पिन को हम आर्डिनो की थर्ड पिन से कनेक्ट करेंगे। तो अब GSM में सिम कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप 4G, 3G, 2G कोई सी भी सिम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम स्पीकर और माइक कनेक्ट करेंगे। तो अगर आप GSM की डेटा शीट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि माइक्रोफोन कनेक्ट करने के लिए हमारे पास होती है MCP एंड MCN पिन। आप ये कॉन्फ़िगरेशन देख के एयरफोन भी कनेक्ट कर सकते हैं। स्पीकर के लिए हमारे पास होती है SPP एंड SPN पिन, स्पीकर पॉजिटिव एंड स्पीकर नेगेटिव पिन। पहले हम माइक्रोफोन कनेक्ट कर लेते हैं। तो माइक्रोफोन की पॉजिटिव और नेगेटिव पिन चेक करने के लिए आपको माइक्रोफोन की बैक साइड में देखना पड़ेगा। जिस पिन पे ये मार्क होगा वो पिन हमारी नेगेटिव है और दूसरी पिन हमारी पॉजिटिव है। तो माइक्रोफोन की पॉजिटिव पिन को हम GSM की MCP पिन पे कनेक्ट करेंगे। माइक की नेगेटिव पिन को हम GSM की MCN पिन पे कनेक्ट करेंगे। अब हम स्पीकर कनेक्ट करेंगे। तो स्पीकर की पॉजिटिव और नेगेटिव पिन के लिए आपको स्पीकर पे बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी। एक पिन पर आपको बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट करना पड़ेगा और दूसरी पिन पर बैटरी का नेगेटिव। अगर हमारा स्पीकर बाहर की तरफ वाइब्रेट होता है तो हमारा कनेक्शन सही है, लेकिन अगर हमारा स्पीकर अंदर की तरफ वाइब्रेट होता है तो हमें कनेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। और जिस पिन पे हमने पॉजिटिव कनेक्ट किया वो पिन हमारी पॉजिटिव पिन रहेगी स्पीकर की, और जिस पे नेगेटिव कनेक्ट किए वो हमारी नेगेटिव पिन रहेगी। स्पीकर की पॉजिटिव पिन को हम GSM की SPP पिन से कनेक्ट करेंगे। स्पीकर की नेगेटिव पिन को हम GSM की SPN पिन से कनेक्ट करेंगे। तो बस इतनी कनेक्शन करने थे। तो अब हम आर्डिनो को प्रोग्राम कर लेते हैं। तो आर्डिनो की USB कनेक्ट कर लेते हैं। तो आर्डिनो को प्रोग्राम करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है आर्डिनो ID। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये GSM का सिंपल प्रोग्राम है। अगर आपने GSM वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा इसके बारे में। अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं वो वीडियो। तो इस प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। तो टूल्स पर जाते हैं और बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम पोर्ट सेलेक्ट करेंगे। तो फिर से टूल्स में जाते हैं, पोर्ट्स में जाते हैं और पोर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हम प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। तो राइट साइड वाले एरो पे क्लिक कर लेते हैं। तो प्रोग्राम अपलोड हो चुका है। तो अब हम अपने GSM मॉड्यूल को पावर सप्लाई देते हैं। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 12V 2A का अडप्टर। आप 5V 2A का भी अडप्टर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो करंट होना चाहिए वो 2A होना चाहिए। अब हम सीरियल मॉनिटर ओपन करेंगे। तो राइट साइड में जो सर्च वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लेते हैं। तो इसको हम बोथ न्यू लाइन एंड कैरिज रिटर्न पे सेलेक्ट रखेंगे, और जो बॉड रेट है उसको हम 9600 सेट करेंगे। अब हम सीरियल मॉनिटर में 80 लिखेंगे और जो GSM है वो हमें ओके सेंड करेगा। इसका मतलब है कि हमारा GSM सही से वर्क कर रहा है। तो अब मैं अपने दूसरे फ़ोन से उस नंबर पर कॉल करता हूँ जो मैंने GSM मॉड्यूल पर कनेक्ट कर। तो आप सुन सकते हैं कि जो हमारा स्पीकर है उससे रिंगटोन वाली साउंड आ रही है, मतलब कि हमें कॉल रिसीव हो रही है। तो हम इस रिंगटोन की साउंड भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक कमांड यूज़ करनी पड़ेगी सीरियल मॉनिटर पे, AT+CRSL इक्वल टू, उसके बाद आपको वॉल्यूम की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो वॉल्यूम की वैल्यू मैं यहाँ पे 100 दे रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम।
तो अब आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो गई है रिंगटोन की। तो कॉल कट हो गई है, तो आप देख सकते हैं कि नो कैरियर लिखा हुआ आ रहा है, पहले रिंग रिंग लिखा हुआ आ रहा था। तो अब मैं फिर से कॉल करता हूँ और इस बार हम कॉल को उठाएंगे। तो कॉल को पिक करने के लिए कमांड होती है ATA। तो अब कॉल आ रही है, तो ATA कमांड डाल देते हैं हम और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो अब कॉल पिक हो चुकी है। तो अब मैं अपने दूसरे फ़ोन से बोलता हूँ दूर जाके, और आप GSM वाली ऑडियो सुनिए। तो अगर आप स्पीकर को अपनी एयर पे लगा के सुनोगे तो जो ऑडियो है वो बहुत क्लियर होगी। इसकी साउंड को आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, मतलब आप स्पीकर को लाउड स्पीकर में सेट कर सकते हैं। तो साउंड को इंक्रीज़ करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है AT+CLVL इक्वल टू ब्रैकेट में हम वॉल्यूम की लेवल देते हैं, तो 0 से 100 के बीच में हमें वैल्यू देनी होती है, तो इसमें हम 100 वैल्यू दे देते हैं। अब जो आप ऑडियो सुनेंगे वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी होगी। अब आपको मेरी ऑडियो आ रही होगी। तो जैसा आपने सुना कि जो ऑडियो है वो इंक्रीज़ हो चुकी थी, तो आप GSM वाले माइक से भी ऑडियो भेज सकते हैं। तो अब जो आप ऑडियो सुनेंगे वो फ़ोन वाली रिकॉर्डिंग होगी। तो अब मैं GSM वाले माइक से बोल रहा हूँ, तो आप मेरी ऑडियो सुन सकते हैं और शायद ऑडियो क्लियर भी हो। आप चाहें तो इस मॉड्यूल से भी कॉल कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कमांड होती है ATD, उसके बाद प्लस आपको अपना कंट्री कोड डालना होता है, और उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।